हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो दिवाली तो खुद की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली का दिन जिसका इंतजार कर रहे थे हम कितने टाइम से तैयारियों में लगे थे, घर की सफाइयों में, डेकोरेशन में। तो आज वो घड़ी, वो दिन आ गया है कि जो दिवाली है उस पर आज सब लोग दीपक जलाएंगे, दिए जलाएंगे और डेकोरेट करेंगे घर को, तो सुंदर सा सजाएंगे। तो आज का वही दिन है, तो हमारे फ्रेंड्स भी आएंगे दिवाली विशेज़ के लिए। तो मैंने कुछ तैयारियां करनी हैं, हम नहाकर एकदम रेडी हो गए हैं। तो कुंज अभी तक नहीं नहाया, कुंज अभी नहाने वाला है। रुचिका भी रेडी हो गई है, वो रंगोली बनाने की जिद कर रही है। तो देखते हैं, पापा भी रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम तो फ्रेंड्स रुचिका हो गई है रेडी, दिखाती हूँ। उसने ब्लैक ड्रेस डाली है और सुबह से मुँह फुला के चल रही है, दिवाली के दिन भी, त्यौहार के दिन भी, लेकिन उसे मना लेंगे, रंगोली बनानी है उसे। तो फ्रेंड्स अब ऊपर के जो हमारा फ्लैट है उसमें रेंट के लिए आ रहे हैं, तो अपना सामान रखने वाले हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं अभी एक बार रंगोली मत बना, पर वो नहीं मान रही है। तो देखिए मैंने कौन सा बनाया। हाँ, तो अभी बनानी नहीं है ना, थोड़ी देर रुक के बनाना। दिवाली शाम को है ना, सब लोग शाम को डेकोरेट करेंगे ना, तब रंगोली बनाना। ये हो गई रुचिका रेडी और ये मैं हो गई हूँ रेडी। तो थोड़ा सा घर को डेकोरेट किया, अब खुद को भी कर लेते हैं। और बाकी थोड़ा बहुत मैंने रूम सेट कर दिया है, थोड़ा सा टेबल थोड़ा सा सेट किया है, कोई आ ही जाता है। तो सुबह सुबह मैंने इसको थोड़ा सेट कर दिया है, जूसेस रखे हैं और थोड़ी सी मिठाई अभी तक नहीं रखी है। तो अब ये यहीं वीडियो बनाते हैं और यहीं पे सारा सामान, ड्रॉइंग रूम को भी एकदम खाली नहीं छोड़ते हैं लोग, जैसे मर्जी रखो। तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, किचन भी अभी खाना भी नहीं बनाया है, किचन भी थोड़ी बिखरी हुई है, तो करते हैं फटाफट से सेट, पहले हो जाते हैं रेडी। तो मिलती हूँ आपसे रेडी होके। पीछे से क्यों जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये हो गई है मेरे घर की पूरी डेकोरेशन।
आखिर में, आखिर में अब सही पता है ना वो। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत बड़ा हादसा होते होते सही है, होती है, तो ये जो चक्करी है विसल वाली इसको हम जला रहे थे, जलाते जलाते एक बार बंद होकर दोबारा से जली तो उछल के टकरा कर गिर गई, तो बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। आग भरी है, भरी हो मुझे ये ध्यान से, ये चक्री सही नहीं है बिल्कुल, एग्जाम में भरी हो आगे अंदर कौन लग गया, कहाँ आया था अभी हादसा होते होते टल गया, जैसे हमने चक्री लाइट रोटेट होके उधर गई तो ये कुंज भी वहीं पास में ही खड़ा था, बचत हो गई। तो फ्रेंड्स ये जो सीटी वाली जो चक्री है या जो भी चक्री है, जो भी ऐसे बड़े वाले फटाके हैं, वो बच्चों को दूर रख के ही जलाएं, बचत हो गई बहुत ज़्यादा। तो बहुत थोड़ा रिस्की है, थोड़ा ध्यान रखें आप लोग भी। बस हादसा टल गया जैसे। आखिर 10 अटेम्प्ट के बाद 11 पैराशूट है हमारा जो जल गया ऊपर जा रहा है, मतलब हमने और ट्राई किए, कुछ तो पैराशूट फटे हुए थे कुछ सही थे, लेकिन अब तो फटे हुए जा रहे थे ऊपर, तो पटाखे बजाने में बंद कर दिए पैराशूट जलाने लगे। तो फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स तो आप लोग भी बहुत ही सावधानी से बच्चों के साथ खड़े हैं ये पटाखे जलाएं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रहें और केयरफुल रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। बाय करने से पहले मैं एक बात और कह दूँ, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आया है क्योंकि घर में आए हुए हैं गेस्ट, तो आपको व्लॉग थोड़ा लेट ही मिलेगा, जिसमें का दिन मिस भी हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।